दोस्तों, सो आज हम जिस एनिमी का रिव्यू करेंगे वो अगस्त में रिलीज हुआ है एंड इसे आईएमडीबी पे 8.7 की रेटिंग मिली है और इसका नाम है फेना पायरेट प्रिंसेस। सो नाम से ही पता चलता है कि ये स्टोरी पायरेट प्रिंसेस के ऊपर है। सो आफ्टर सीइंग दिस प्रिंसेस नाउ आई गेट टू नो कि लफी क्यों पायरेट किंग बनना चाहता है। हाँ, सो बैक टू द टॉपिक। तो इसको एनिमेट किया है प्रोडक्शन आईजी ने। इसके डायरेक्टर हैं काजुटो नाकाजावा। ये एनिमी एक एडवेंचर फैंटेसी एक्शन जेनरी शो है। इसकी थीम 18th सेंचुरी में जब इंग्लैंड रूल कर रहा था वर्ल्ड पर, उस पे बेस्ड है। सो लेट्स टॉक अबाउट वाइफू ऑफ लफी, आई मीन फेना की। सो इसका पूरा नाम फेना हाउटमैन है और इसका जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है, जिसने हमारी लफी की वाइफू को चुरा लिया है, उसका नाम युकिमारू है। वो बहुत अच्छा समुराय है। सो नाउ गाइस, आई विल एक्सप्लेन यू द स्टोरी ऑफ एनिमी। सो व्हेन एनिमी स्टार्ट्स यू विल सी फाइट, जिसके बीच में एक लड़का हमारी फीमेल प्रोटैगोनिस्ट को लाइफ बोट में बिठाकर भेज देता है फाइट से दूर और बोलता है कुछ भी हो लेकिन मरना मत। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का आया होता है फेना को लेने एंड फेना रेडी हो रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है, यू स्टिल लव दैट गाय जिसे तुमने 10 साल पहले देखा था? शी सेड यस। एंड देन वो लड़की जब जाती है उस लड़के से मिलने, तभी दो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। एंड जब वो उस आइलैंड से एस्केप कर जाते हैं तो वो एक न्यू आइलैंड पे जाते हैं और उस आइलैंड के मास्टर से मिलते हैं। तो वो मास्टर कुछ सवाल जवाब करता है फेना से एंड उसे एक स्टोन दिखा के बोलता है कि ये लो फेना, ये तुम्हारे पापा ने दिया था। मास्टर बोला कि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि ये स्टोन जहाँ से आया है उसे बचाना है, ये तुम्हारे पापा की लास्ट वर्ड्स थे। तो अब ये फेना का मिशन है कि ये स्टोन कहाँ से आया है और उसे उस जगह को बचाना है। जब आप एनिमे स्टार्ट करोगे तो आपकी कुछ समझ नहीं आएगा, बट एपिसोड 2 में कुछ चीजें क्लियर होंगी। आई नो स्टार्टिंग में ये एनिमे बोरिंग लगेगा, बट धीरे धीरे सब ठीक होगा। इसमें एक जगह है स्टोरी में विच आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट, सो इफ एनीवन ऑफ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज लेट मी नो। ये एनिमे बहुत फनी है। इसमें कई सारे एनिमेज के रेफरेंस हैं, लाइक ब्लीच, वन पीस, जुजुत्सु काइसीन। इसके दो कैरेक्टर्स काइदी एंड एनजू आपको इटादोरी एंड नोबारा की याद दिलाएंगे। These both are twins, but ये उतने ही अच्छे fighters भी हैं। So overall मुझे ये anime बहुत अच्छा लगा। आपको भी देखना चाहिए। So guys मिलते हैं next video में। तब तक के लिए sayonara और हाँ, like and subscribe करना मत भूलिएगा channel को।